Bhadwa start talking, but the main. All right, there. साथियों, आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी लगभग रोज सुबह उठकर अपनी ही दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई खबर मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर दे रहे हैं और हम लोग इतना हैरान हैं कि एलजी का तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है, ये किस तरीके के आदमी हैं जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं कि रोज कोई पुराना मामला उठाकर ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला करते हैं। हमने पिछले दो हफ्तों में देखा, विनय सक्सेना जी जब खादी उद्योग के चेयरमैन थे उनके ऊपर तीन बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। पहला, नोटबंदी के समय उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया और इसके बारे में और कहीं नहीं उनके खादी ग्राम उद्योग के हेड कैशियर का लिखित बयान है कि विनय सक्सेना जी के दबाव में विनय सक्सेना के पुराने नोटों को बदला गया। हमने कहा आप जांच कराइए, वो जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा आरोप लगा, विनय सक्सेना जी ने अपनी ही बेटी को खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते बॉम्बे में खादी लाउंज बनाने का काम अपनी बेटी को दे दिया। हमने कहा कोई प्रोसीजर तो फॉलो हुआ होगा भाई, एक सरकारी तंत्र है, उसके एक प्रोसीजर के बिना आप किसी को कोई काम नहीं दे सकते और अपनी बेटी को तो प्रोसीजर फॉलो करके भी नहीं दे सकते। आप जांच करवाइए, एलजी साहब जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मेरी जांच करवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वे जांच से भाग रहे हैं। दो तीन दिन पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया, पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसके अंदर पटना हाई कोर्ट ने खादी ग्राम उद्योग को यह ऑर्डर दिया कि आप जितने भी कारीगर हैं खादी के उनको बैंक अकाउंट में सीधा पैसा दीजिए। अब बैंक अकाउंट में सीधा पैसा देने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी जी की, और वो खुद कहते हैं अगर पैसा कैश में दिया जाता है मतलब उसके अंदर लूट होती है। जन जन जनधन योजना बना के मुझे तो लग रहा है हिंदुस्तान में सबके अकाउंट बना दिए थे मोदी जी ने। उसके बावजूद 4,55,000 कारीगरों में से मात्र 1,95,000 कारीगरों को ऑर्डर देने के बाद भी आपने अकाउंट से पेमेंट की, बाकी लाखों कारीगरों को आपने कहा कि आपने कैश से पेमेंट की। कैश के पेमेंट के ऊपर तो बहुत सवाल आते हैं, किसी को दिया या नहीं दिया, कोई कारीगर था या नहीं था, इसमें तो करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। एलजी साहब ने इसमें भी नहीं कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। हमारा ये मानना है अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, डेढ़ साल पहले तो इसके अंदर सीबीआई पीई कर चुकी है, डेढ़ साल पहले सीबीआई ने इसके अंदर पीई दर्ज कर रखी है, अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तीन हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया, कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई आपको इसकी समझ है या नहीं है? मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है या नहीं है, अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले रोज छोर मचाते हैं, बस नहीं खरीदी, और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो।
तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे, या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करें। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है, बस नहीं खरीदी गई। और एलजी साहब सुबह उठते हैं कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। ये बहुत मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और एलजी अब कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, वो एक सरकारी पद पे पब्लिक ऑफिस पे बैठे हुए आदमी है। एक ईमानदार आदमी कहता है उस पर आरोप लगा, जांच कर लो भाई। आज मैं भी आपके सामने ये नहीं कहने आया कि सीबीआई जांच ना करे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीबीआई 1.5 साल पहले पी दर्ज कर चुकी है इसके अंदर। सीबीआई 1.5 साल से इंक्वायरी कर रही है इसके अंदर, और कर लो, कुछ नया निकला है तो और कर लो भाई। हम नहीं भाग रहे इंक्वायरी से, विनय सक्सेना जी भाग रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हें डिफेमेशन केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मगर इंक्वायरी नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे भाई इंक्वायरी? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। सबूतों के साथ एक सांसद ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, सबूतों के साथ पार्षद विधायकों ने आपके ऊपर आरोप लगाया, और आपके ऊपर आरोप दिल्ली विधानसभा में लगाया गया है। आप इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं तैयार है? सिर्फ अपनी भ्रष्टाचारों के आरोप से ध्यान भटकाने के लिए एलजी साहब रोज नया नाटक करते हैं। मुझे नहीं पता फाइल पढ़ते भी या नहीं पढ़ते, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक मामला जिसमें 1.5 साल पहले ही पी दर्ज है, 2 हफ्ते पहले दोबारा इन्होंने सीबीआई को दे दिया, अब वही मामला तिवारा दे दिया। ऐसे तो कल फिर से दे देंगे इसी को, और फिर कहेंगे इसको चलाओ टीवी पे कि भाई एक और चीज हो गई। ये बहुत गलत है। मुझे एक वाकया याद आता है, और जो पुराने पत्रकार बंधु हैं दिल्ली सरकार को और अन्य सरकारों को कवर करते आए हैं वो इस मामले को समझ सकते हैं। एक डिपार्टमेंट में नए अफसर आए टॉप पे, और हवा चलाई गई, अफसर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बड़े सख्त हैं। छोटी छोटी बातों पे अफसर ने लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। किसी डिपार्टमेंट पे कोई गड़बड़ी हुई तो ऊपर से नीचे तक सबको सस्पेंड, यहां सस्पेंशन, वहां सस्पेंशन, यहां सस्पेंशन, और अफसर के ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के काफी थे। तो नीचे वाले अफसर बड़े परेशान कि भाई ये बड़े बाबू जो आए हैं वो चाहते क्या है, यहां इसको सस्पेंड, वहां उसको सस्पेंड, हरेक के ऊपर दबाव, हरेक के ऊपर खौफ, और कोई ईमानदार आदमी भी नहीं है। काफी भ्रष्टाचार के आरोप लेके घूम रहे हैं, तो चाहते क्या है? तो पता चला बड़े बाबू चाहते थे कि ठेकेदार डायरेक्ट संपर्क करें, सीधा ठेकेदार संपर्क करें और परसेंटेज देना शुरू करें, सीधा सीधा जो है पैसा पहुंचाया जाना लगे। और हर अफसर के पास ये मैसेज पहुंच गया सस्पेंड कर करके कि भाई अगर रहना है, नौकरी करनी है, तो ठेकेदारों को कहो सीधा ऊपर जो है मिले और सीधी बातचीत करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। इस मामले में उनका ये आरोप है कि जो बसों की खरीद को ठेका नहीं दिया गया था, जो टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं थी, BS4 BS6 की बात है, जिसको BS6 का ठेका नहीं दिया गया, पूरा ठेका उसी को, जिससे टेंडर में जो शामिल नहीं थी कंपनी, पूरा ठेका उसी को गलत तरीके से दे दिया गया। देखिए मजेदार बात है, ठेका दिया ही नहीं गया, वही तो मैं बता रहा हूं आपको। यहां कोई ठेका दिया ही नहीं गया, यहां 2 कंपनी आई BS4 और BS6 की, एक ने सिर्फ 600 कंपनी बसों के लिए अप्लाई किया, एक ने 1000 के लिए अप्लाई किया। उसके अंदर कोई प्रक्रिया चल रही थी, इन्होंने जांच चला दी, हमने प्रक्रिया तभी से तभी रोक के रख दी, हमने कहा कि हम नहीं कर रहे टेंडर, हम नहीं खरीद रहे, बस आप बता देना प्रक्रिया ठीक है तो खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। तो भ्रष्टाचार कहां हुआ? और 1.5 साल से तो सीबीआई कर रही है इंक्वायरी इस चीज की। इसके ऊपर एलजी साहब ने, जो पुराने एलजी थे अनिल बैजल साहब ने, उन्होंने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, एक रिटायर्ड अफसर थे, एक उसके अंदर विजिलेंस के आदमी थे, एक और कोई आदमी थे, 3 अफसर थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर कोई छोटी मोटी इसमें त्रुटि है तो भी वो बोनाफाइड है, मतलब अच्छी नीयत से किया गया काम है,
और उसमें कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है, कोई उसके अंदर जो है भ्रष्टाचार क्रिमिनल नेग्लिजेंस का कोई क्रिमिनल एंगल ही नहीं है। ये इनके ही पुराने एलजी की रिपोर्ट है। अब ये निकाल निकाल के क्यों हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है यहां भ्रष्टाचार हो गया, यहां भ्रष्टाचार हो गया, यहां भ्रष्टाचार हो गया, साबित कुछ नहीं हुआ अभी तक। रिपोर्ट हर चीज की मांग लेते हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी, इसके ऊपर इंक्वायरी, इसके ऊपर इंक्वायरी, खुद कब कराएंगे एलजी साहब इंक्वायरी? अरे अरविंद केजरीवाल तो सीना ठोक के कह रहा है कर लो इंक्वायरी, सीबीआई से करा लो, ईडी से करा लो और दो चार से करा लो। आप डरे डरे घूम रहे हो कि मेरी इंक्वायरी ना हो जाए। अरे एलजी साहब आओ ना पब्लिक ऑफिस में, खुला आओ ना, बोलो कि हां मेरे लिए इंक्वायरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिफारिश करता हूं मेरे ऊपर इंक्वायरी कराई जाए। निकला एलजी साहब के मुंह से शब्द, निकलेगा भी नहीं। पब्लिक ऑफिस के अंदर आपको इंक्वायरी के लिए तैयार रहना पड़ेगा एलजी साहब, आप भाग नहीं सकते और आप डिफेमेशन के नाम से डरा नहीं सकते। हम डरने वाले लोग नहीं है, बहुत आए डराने वाले चले गए, हम डरेंगे नहीं, सवाल पूछेंगे। मैं बता तो रहा हूं आपको, देखिए क्या होता है, एक डिपार्टमेंट काम करता है उसके अंदर 100 चीजें होती हैं, हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बोनाफाइड होती हैं। आप देखिएगा कानूनी शब्द है बोनाफाइडी, एक अच्छी नियत से काम करने के लिए आप कुछ काम करते हैं वो बोनाफाइडी होता है, मगर अपनी बेटी को किसी चीज का काम दे देना वो बोनाफाइडी नहीं होता, अपने पुराने नोट बदलवा लेना वो बोनाफाइडी नहीं होता। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप वर्कर्स को कह रहे हो कि आप कैश पेमेंट कर रहे हो वो बोनाफाइडी नहीं होता, उसके अंदर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। और हम तो कह रहे हैं इसकी भी तो जांच हो रही है ना भाई, इसमें कोई भी एलजी साहब का सवाल ऐसा नहीं है जो नया हो, ये 1.5 साल से ही चल रहा है पी, कुछ नहीं होना है इसके अंदर। ये सिर्फ जो है ये है कि अपने अपने ऊपर आरोपों से जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं। जी मैडम, ये तो मैं सोचता हूं कि इसके ऊपर तो एक रिसर्च होनी चाहिए। आप सोचिए देश को और दिल्ली को मूर्ख बनाने की इससे बड़ी स्कीम क्या हो सकती है कि आपने दिल्ली में चुनाव इसलिए रोक रखे हैं कि 272 वार्ड कम करके आप 250 करोगे। अरे कोई पंडित ने बताया 250 होने चाहिए? आप सोचिए, मतलब आप इस पर विचार करिएगा कि 272 वार्ड को घटा के 250 करना इसलिए आपने चुनाव रोक रखे हैं, और ये पूरी बाबुओं की प्रक्रिया आप चला रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया इसके अंदर खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपया भी तो खर्च हो रहा है इस प्रक्रिया में, क्यों हो रहा है? मतलब 272 वार्ड और 250 वार्ड में क्या फर्क हो जाएगा और क्या गवर्नेंस में फर्क आ जाएगा? मुझे तो लग रहा है थोड़े गवर्नेंस में कमी आएगी, बेहतर तो नहीं होगा। आपने और उसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दिया, वो भी आपने कोई बहुत सेंट्रलाइज नहीं किया, पूरी प्रक्रिया आप ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आप चुनाव हार रहे थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी इसलिए सोच रही है थोड़ा समय मिल जाए शायद चुनावों के अंदर कोई इज्जत बच जाए, मगर इज्जत बचेगी नहीं। देखिए रोहिंग्याओं को बसाने की एक स्कीम भारत सरकार लाई थी जिसके बारे में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद दी थी कि वो उनको बसा रहे हैं कहीं पे फ्लैट्स में। जांच को पता चला कि उनके Alright, charges and counter charges. Saurabh Bhardwaj defending right there. The AAP versus Delhi government war escalating on your screens. You can see the live press conference being addressed by Saurabh Bhardwaj.